तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। और बीजेपी का कहना है फूट डालो, देश को लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो। 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 80,000 का मशरूम खाकर 24 घंटा झूठ पर झूठ झूठ। की ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है जिसके दाऊद के साथ संबंध थे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तब भी क्या सरकार चुप नहीं साधती? लोग कहते हैं कि मोदी जी संत हैं। अरे भाई, लोग तो रावण को भी संत कह रहे थे, भगवा वस्त्र पहन रहा था। इनका हिंदू धर्म से, राष्ट्र धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे में है। अपनी बातों के जरिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले, अपनी बातों से हुकूमत को हिला देने वाले और साथ ही केंद्र सरकार को उनकी असलियत दिखा देने वाले पंकज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार देश की बेटियों के समर्थन में ये जंतर मंतर पर आ रहे हैं और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे देश के पहलवानों को साथ देने का काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और देश की जो तमाम बेटियां हैं उनको न्याय मिलने का काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप जी। नमस्कार। देश की बेटियों की बात आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार क्या देश की बेटियों के लिए काम कर पाएगी? कुलदीप सिंह के सेंगर की घटना में आपने देखा, क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा बेटियों के सम्मान की थी? क्या महिलाओं के अत्याचार जो बढ़ रहे हैं उस पर कोई कानून बनाने की बात थी? निर्भया घटना के बाद जो लोग, तमाम लोग जो आंदोलन करते थे, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तक पहुंच गए थे, जो रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे पता नहीं कहां मर गया। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, 6 महीने जागता था, ये तो उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 9 साल से अधिक हो गए, अन्ना हजारे का कुछ नहीं पता है। और वो किरण बेदी जो अपने आप को महिला IPS कहती थी, स्मृति ईरानी जी महिला विकास मंत्री हैं, जो चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो सिर्फ भाजपा में ही नहीं, सभी पार्टियों में जो महिला सांसदें हैं वो कर क्या रही हैं? मेनका गांधी लगातार बोलती रहती हैं, मेनका गांधी की आवाज़ से छतकदमों की दूरी पर है। ये देश को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, हाथरस में बहन मनीषा के साथ हुआ, जीभ काट लिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, रात के अंधेरे में हिंदू धर्म के खिलाफ। वहाँ की सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए, हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर देखिएगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर आंकड़ा देखिएगा, तो इनके जो नेता हैं सभी लोग ज़्यादातर बलात्कारी पाए जाएंगे, ज़्यादातर पाकिस्तानी खुफिया जानकारी देने वाले पाए जाएंगे, ज़्यादातर उपद्रवी लोग पाए जाएंगे। आपको एक बनाड का नाम आपने सुना होगा, जिसके यहाँ जेलेटिन पाया गया, पता नहीं हद्दे पौए पाए गए, कंडोम पाए गए, तमाम चीज़ था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उसको टिकट दिया। अब आप आइए कि देखिएगा, अभी हाल ही में बरेली में दलित परिवार के साथ क्या हुआ है। तो जहाँ तक आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और तो और बेशर्मी की हद देखिए, इतने बेशर्म, इतने निर्लज हैं ये लोग। कहते हैं ये मेडल 15-15 रुपये में आता है। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हारी औकात है क्या मेडल जीत कर लाने की? आज वो कहते कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है जिसके दाऊद के साथ संबंध थे? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है जो तिहार जेल में तिहारी रहा है और ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगने के बावजूद देश का ना तारीपार गिरी मंत्री बोलते, ना ही प्रधानमंत्री बोलते, जैसे मानो इनके मुंह में रसगुल्ला हो और मुंह पर मेहंदी लगा हो, क्यों नहीं बोल रहे? और चंद आवास के चंद कदमों की दूरी पर हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। अब देश के लोगों को निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा RSS के इन बेईमानों से जो बहन बेटियों के इज्जत आबरू बचाने के लिए कानून नहीं बना रहे। हमने दिल्ली में देखा है, दिल्ली कैंट इलाके में देखा है, पानी के लिए शमशान घाट में मंदिर के पुजारी के द्वारा नृशंस हत्या और बलात्कार हुआ था, उस पर भी बीजेपी कोई बात नहीं बोली। हमने देखा 13 किलोमीटर तक कंझावला में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची को बीजेपी का नेता लगातार घर जीतता रहा और दिल्ली पुलिस मौन रही। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठता है। और सवाल देखिए, तमाम जो सरकार में बैठे लोग हैं,
और अगर ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तब भी क्या सरकार चुप ही साधती? तब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा जा रहा होता, लव जिहाद की बात की जा रही होती? ये तमाम चीज़ें हैं जो देश के सामने में हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते ये, लेकिन मोदी जी हैं वो सबसे ज़्यादा सम्मान की बात करते हैं बेटियों की, बेटियों को पढ़ाने की उनके, तो यहाँ तक कि विनेश फोगाट जी जब मेडल लेकर आई थी तो उनसे भी मिलने गए, परिवार से भी रिश्ता बताया था। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? आप भी एक महिला हैं, आप अपना कंपेरिजन जसोदाबेन से करके देखिए, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको जो शादी कर आपको छोड़ दे? नहीं चाहेंगे। मेरे जैसा भाई तो नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? लोग तो कहते हैं कि त्याग है मोदी जी का। पूरी बात तो सुन लीजिए, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? नहीं चाहेंगे। आप एक बात बताओ, जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, रस्म रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी देखभाल करेगा, वो पति का धर्म कहलाता है। जो पति का धर्म प्रभु श्री राम ने माँ सीता के लिए अपनाया था, लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, समझिए फर्क है। आप ये नहीं कहिए, अगर आपके पिताजी राजधर्म में आपकी माँ को छोड़ देते तो आप पत्रकार होते आज? ये कैसा राजधर्म है? राजधर्म तो धर्म है जब आप 16 संस्कार तय किए गए हैं हिंदू धर्म में, और 16 संस्कारों के अनुरूप अगर आप शादी करते हैं और आप उसका निर्वाह करते हैं तभी ये सृष्टि चलेगी, यही असली राजधर्म है, बरगलाइए मत। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी संत हैं। अरे भाई, लोग तो रावण को भी संत कह रहे थे, भगवा वस्त्र पहन रहा था। माँ सीता ने, समझिए, माँ सीता ने रावण को संत समझने की गलती की, इसका खामियाजा हुआ रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया। अब आप समझिए कि रावण, रामायण हमको साफ साफ दिखाता है कि हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता है, हर भगवा पहनने वाला कालनेमी राक्षस संत नहीं हो सकता है, तो रामायण हमको ये सीख देता है। इसलिए कृपया अपनी अकलमंदी अपने पास रखें पत्रकार महोदया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो आपको शादी करके जीवन भर घुट घुट कर मरने को छोड़ दे। नहीं चाहता थे। सुनिए पहले बात, नारी का सम्मान अगर करते प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी की माँ जब मरी तो जसोदा बेन जी को दर्शन करने दिया जाता, अंतिम दर्शन भी नहीं, क्रियाकर्म में भी शामिल नहीं, मुंडन तक नहीं कराया। इनका हिंदू धर्म से, राष्ट्र धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक रघुवंशी पत्रकार पकड़ाया है, अभी जो प्रदीप करुलकर जो आरएसएस के कार्यशाला में, पाठशाला में, संस्कार शाला में जिनकी चार चार पीढ़ियाँ पढ़ी हैं, वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के मुखबरी करते थे, और इनकी नजायज औलादें आज देश की मुखबरी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं। आप बताओ ना, कब इन्होंने देश, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया, जो मर्द था उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, उन्होंने उम्र कैद की सजा सही, उन्होंने काला पानी की सजा सही, देश के लिए कुर्बान हो गया। ये लोग तो मुखबिर लोग थे, नामर्द लोग थे। इन्होंने एक भी आरएसएस के लोगों को आप अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में बता देंगे तो आप जो कहें मान लीजिए। 1924 में हेडगेवार ने आरएसएस छोड़कर 25 में स्थापना की, रॉयल सीक्रेट सर्विस की, जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी ब्रिटेन के महारानी को दिया करता था, उनका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से। और जिस हिंदू धर्म की बात आप कहते हैं, हिंदू धर्म में 84 लाख यौनों के भरण पोषण की बात होती है, उसमें इंसान के साथ नफरत की बात कैसे हो सकती है? उसी हिंदू धर्म में माँ सीता का कहानी हमने देखा, माँ सीता ने रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो 100 कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राजपाट का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी ने रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। हमने तो देखा है, हमारा धर्म बताता है कि नारी सर्वत्र पूजते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का आवास होता है। ये तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनके मशरूम की सब्जी खा रहे 80,000 का, इतने बेशरम हैं कि इनको इतना नहीं है कि 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 80,000 का मशरूम खाकर 24 घंटा झूठ पर झूठ झूठ। तमाम मीडिया चैनल वाले कहते हैं कि मोदी जी अपना खर्चा खुद उठा, मीडिया बहुत सारे हैं सोते हैं प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, कहाँ सोते हैं वो? प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। तब तो ये गलत है कि भारत का प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म पर सोता है। और खर्चा का आंकड़ा देखिएगा, खाली स्नो पाउडर लगाने का करोड़ों रुपया में बिल आता है,
ये बरगलाता है, मीडिया क्या है? अरे भाई यही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप बता रहा था कि आप नोट अगर 150 किलोमीटर धरती में भी रखिएगा तो सैटेलाइट से वो पकड़ में आ जाएगा। तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। तो हटा दिया गया, देखिए इतने ज्यादा रडार सिस्टम आ गए, इतने ज्यादा नोट ला के क्या बोला था, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करके भ्रष्टाचार, मास्टर स्ट्रोक। यही तो है प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का, चौथी पास पर राजा का, यही तो करामात है। अगर पढ़े लिखे आदमी पार्टी की भाषा भाई फिर हम, ओहो आप लोग यही बात कहते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते आप एक बात बताइए, तो अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है बार बार? अगर प्रधानमंत्री कहाँ गिर रही है, कहाँ से पत्र का है, ये 5 ट्रिलियन कहाँ से पढ़ के आया भैया, कहाँ से पढ़ के आए? 11 ट्रिलियन डॉलर 5 साल में मोदी जी ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, सारे बैंक डूब गए, रेल डूब गया, सेल डूब गया, बेल डूब गया, कौरी के दाम में बेच दिया। ये गोवलकर का किताब पढ़ के आए हैं, आरएसएस के पाठशाला से। 95% लोगों को गरीब बनाना, अब 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। अडानी के फ्रॉड पर आप नहीं बोलते, 20,000 करोड़ रुपया किसका था भैया, 20,000 करोड़ रुपया। और जब एंडरसन ने, हिंडरबर्ग के एंडरसन ने रिपोर्ट छापी तो LIC और SBI कैसे शेयर खरीद रही थी, आज LIC की क्या स्थिति है बता दीजिए आप, सही सही बताइएगा LIC का बता दीजिए। अरे भाई सुनिए ना, 52 है भाई, पत्रकार हो ना आप, 52 ग्राम गांजा में रिया चक्रवर्ती के यहाँ नागिन डांस हो रहा था। अमबुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया, ड्रग दो अडानी का कंटेनर भर भर कर लो, कंटेनर भर भर कर लो, तो कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ, अगर हमारे यहाँ 5 ग्राम का 1 ग्राम पकड़ा जाता तो हमारे यहाँ आ गया होता। अभी MCB बानखेड़े का देख लीजिए, बानखेड़े की कहानी देख लीजिए, वहाँ KP घोसावी भानुशाली क्या कर रहा था, NCB के अधिकारी बन के काम कर रहा था। ये देखिए, DRDO में जाइए, जिस संस्था में जाइएगा वहाँ RSS के लोग जुड़े हुए हैं। अब सारा हाईजेक हो गया है हिंदुस्तान का सब कुछ, और सब चौपट कर दिया गया है, तो आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात कीजिए ना, देश लूटने वाले को जेल क्यों नहीं डाले? आज तक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी नहीं आ गया, आपका डंका बज रहा था। गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, समझिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, अंग्रेजों ने जो हथियार दिए थे किसको दिए थे, गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को, और 3 दिन बाद वो चोरी हो जाती है, और उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले इस पर तो प्रकाश डाल लीजिए कि जिस पिस्टल से हत्या हुई, और आखिर गोडसे को गोदना गोदाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। वो दंगा कराना चाहते थे देश में, तो उसे साफ साफ स्पष्ट है। जब साफ साफ स्पष्ट है तब इस पर बात आप पूछ रहे, आप कहिएगा सावरकर के नाम पर संसद भवन का नाम होगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं होगा, और प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों करेंगे, राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगी, जब राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी समाज से है इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराइएगा, आप बताइए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना सम्मान दिया है मोदी ने, तभी तो उतने पद पर बिठाया है। क्या सम्मान मान रहे हैं इसको आप, राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है मोदी जी ने बिठाए? अरे मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बिठाएंगे, आप मान लिए इस बात को? ऐसी सुनो ना, आदिवासियों की जमीनें झारखंड के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में आज क्या हो रहा है, वहाँ आप जाकर देखिए आदिवासियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, आपको नहीं दिखेगा ना। कानून क्यों नहीं बदल देते, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को काहे नहीं चेंज कर दिया जाता? हमने 245 गांव गया था झारखंड के गुमला लोहरदगा के इलाके में, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अन्याय है, दलितों के साथ क्या अन्याय है? आप हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, निजीकरण के नाम पर आप सारे रिजर्वेशन खत्म कर दिए, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। लेटरल एंट्री के तहत UPSC में जो मेधावी लोग थे जिनको आरक्षण का सुविधा मिलता है उनको ना दे के आपने ओम बिरला की बेटी को बना दिया। ओम बिरला की बेटी कहाँ से ये है बताओ आप? आप BCCI में अमित शाह के बेटे को बना दिए, आप बताओ ना। एक गेंद नहीं पकड़ने आता, कैसे गेंद फेंका जाता है वो भी नहीं पता है, और उसको BCCI का उसके लिए कानून बदल दिए आप उस पर नहीं चर्चा करते। देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब तक आप लोग ईमानदार नहीं होंगे, सरकार शासन सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, देश का इसी तरीके से बुरा होता रहेगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप ये सब छोड़ दीजिए लिफाफे वाला चक्कर, अब आप काम कीजिए, थोड़ा सा जमीर जिंदा कीजिए। जो पत्रकार का धर्म है, आपको पत्रकारिता का धर्म, आपको भारत माँ का धर्म, आप सवाल पूछिए कि 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी? अब तो सतपाल मलिक भी कह रहा है कि हमें चुप रहने की बात कही गई, तो उल्टा
सीबीआई, ईडी, सतपाल मल्लिक के रिश्तेदारों को और उनके इर्द गिर्द के लोगों को क्यों छापा मार रही है? यही शुभेंदु अधिकारी था जब टीएमसी में था, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छापा मार रहा था। जब से भाजपा में आया नेता प्रतिपक्ष हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा में जल स्कैम के बारे में आप सुने होंगे, नारदा सारदा के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे तमाम आरोप लग रहे थे। बीजेपी में आया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़े थे, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते, आप लोग भूल जाते हैं और लोगों को भुला देते हैं। आप क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अरे भैया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे में हैं। आज तक हिंदू बेटियों को खतरा नहीं मिल रहा है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म बना, सुन तो लीजिए। कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके घर और मकान उजाड़ दिए गए, आप नहीं दिखा रहे। आप जोशीमठ के हिंदुओं की व्यथा नहीं दिखा रहे। आप खोड़ी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, नहीं दिखा रहे। आप अयोध्या में भक्तिपथ रामपथ में लोगों को जबरन दुकानें मकानें खाली करा ली गई, वो नहीं दिखा रहे। आप कब दिखाओगे? दिखाओ ना। आप केरला स्टोरी कह रहे हैं ना, केरला स्टोरी में जिस 32,000 की बात की जा रही थी वो फ्रेम निकला, लेकिन गुजरात में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कहा कि 42,000 महिलाएं गायब हैं। आप बता दीजिए उसमें कितने हिंदू महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं कहाँ? क्यों नहीं बताते? बना लीजिए, आप बना लीजिए उस पर फिल्म गुजरात स्टोरी। है हिम्मत किसी में? सवाल है पूछने का? किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि गुजरात की 42,000 महिलाएं जो गायब हैं उस पर गुजरात स्टोरी कब बनेगी? आप नहीं पूछ सकते। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाई थी, देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। उनका था कि फूट डालो राज करो, और बीजेपी का कहना है फूट डालो देश को लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो, बाकी बचे हो तो यहाँ से भाग डालो। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? देश में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चलता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ FIR तक दर्ज नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR दर्ज हुए। निश्चित तौर पर अगर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलते रहे और सत्य अहिंसा का पालन करते हुए, पूरे देश में ये अलख जगाया जाएगा। हम आपको अपटूडेट देते रहेंगे, पूरे देश में हर ज़िले में जा जाकर हम इन बेटियों के न्याय की गुहार लोगों से लगाएंगे, और पूरा देश इन बेटियों के साथ है, बेटियों के सम्मान में पूरे हिंदुस्तान मैदान में। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए थे, जो देश विदेश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं, और ऐसे में पहलवानों के समर्थन में भी उन्होंने क्या कुछ बोला वो हमने आपको दिखाया। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।